चंडीगढ़ के अंदर ही हमारा स्टूडियो था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे सिंगर्स थे जो मेरे पास आए, कई एल्बम्स के अंदर मैंने म्यूज़िक दिया। फिर काम इतना बढ़ गया कि मेरे को लिरिक्स राइटर्स जो थे वो पूरा काम नहीं करके दे पा रहे, तो मैंने कहा यार मैं काम बहुत करता हूँ, मैं 4-4 दिन तक सोता नहीं हूँ, मुझे इंसॉम्निया है कई सालों से, मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन सोता हूँ, अभी मैं 6 दिन नहीं सो पाया था, तभी कल रात को तबीयत खराब हो गई। तो काफ़ी लोग लिरिक्स नहीं लिख पा रहे थे, तो मैंने कहा यार छोड़ो मैं लिरिक्स लिखता हूँ, कई मैंने फिर धीरे धीरे लिरिक्स लिखने शुरू करे। मैं म्यूजिक डायरेक्टर जब था तो मेरे पास सिंगर आते थे, वो अपनी पसंद का म्यूजिक चाहते थे, मैं 6 गाने उनकी पसंद के बनाता था, 2 अपनी पसंद के बनाता था, जो अपनी पसंद के बनाता था गाने वही चलते थे। तो मैंने कहा यार ये मेरी बात सुनते हैं नहीं, मैं काम करता हूँ एल्बम तैयार करता हूँ जो बिल्कुल मेरी पसंद की होगी। सोचे एक गाना मैंने खुद गाया पूरा, वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, मुझे अमेरिका गूगल ने पहली बार हिंदुस्तान से वहाँ बुलाया, गंजम स्टाइल पूरे वर्ल्ड में नंबर वन गाना था, लेकिन हिंदुस्तान में नंबर वन नहीं था। उस गाने की गा के सुनाता हूँ आपको, जो पसंद आपको। हाँ नहीं, उसी गाने से, जिस गाने से जिससे शुरुआत थी और वो वर्ल्ड वाइड यूट्यूब का नंबर वन सॉन्ग था। मुंडे पट्टे तेरी सारी मेरे टांगे, कोई कहीं उत्ते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नु कोई लावे ना, कुड़ियां नी तेरे प्रांगे ने, मुंडे पट्टे तेरी सारे मेरे टांगे, मेरे टांगे मेरे टांगे मेरे टांगे बिल्लो मेरे टांगे। ये गाना बड़ा पसंद किया, इसका वीडियो बहुत कमाल, हमने अंग्रेजी स्टाइल में दुबई में शूट किया था, ये अमेरिका से भी चलाई, ये वीडियो नंबर वन था यूट्यूब पे, जिस वजह से बॉलीवुड के कई लोगों ने पहचाना, बुलाया, मौका दिया।